नवरंगपुर बहु चर्चित दंपति सुमित और तपस्विनी विवाद मामला हाइकोर्ट को निर्देश परे आज प्रथम थर लगी काउंसलिंग टेबुल रे एकाठी होइछन्ति सुमित और तपस्विनी कटक आईन सेवा भवन मध्यस्थता केन्द्र में उभय पति पत्नी को तीन घंटा धरी काउंसलिंग करा जायथिला। प्रथमे उभय को एकाठी बसाई और परे पृथक पृथक भावे काउंसलिंग करथिले अधिकारी। काउंसलिंग बेले सुमित संपूर्ण सहयोग करिछन्ति एवं या उभय पति पत्नी को पुणी थरे एकाठी करबा दिगरे सहयोग करियो बोली कहिछन्ति तपस्विनी। दुजन जाकर सहयोग पाई और दुजन जाकर राजी पाई ही मेडिसिन सेंटर रे हमर काउंसलिंग हेछि कने जदि जणे चाहि थांदा आउ जणे न चाहि था ना केबे उठे काउंसलिंग हुएनी हमर दुजनंकर चाहिबारु ही काउंसलिंग ता हेछि और आज तो प्रथम पर्याय थिला भलो जायछि पॉजिटिव साइन भी मिलिछि और आशा करूछि 11 तारिख दिन किछि उठे भलो हबो बोली। माननीय हाईकोर्ट मोर निर्देश त आज मेडिसिन सेल ले हला मेडिसिन अथॉरिटी जो काउंसलिंग कले दि जो प्रथमे दि जणन को सुनानि कला पर अलग अलग मध्ये तांको डाकी 1 टू 1 फेस टू फेस करि तांको एवं मुझ आशावादी अच्छी निश्चित किसी गोटे बोलते सफल हम और जेहतु तपस्विनी भी आशा रखी निश्चित भाव फैमिली लाइफ टाक रिगेन करने जहाँ भी बर्तमान पोजिशन जहाँ भी अच्छी निश्चित भावुँ निश्चित आशावादी एगार तेरह दिन चार्टर रखा जाए निश्चित सुफल मिले मुझे आशावादी अच्छी। तपस्विनी और सुमित दाम्पत्य जीवन में बहु बाद बिवाद पर आज प्रथम थर लगी एकाठी हो दुई टेबुल बसी सुमित और तपस्विनी। प्रथम तपस्विनी मध्यस्थता केन्द्र को आसी पहुंचा बेले यार किसी समय पर पहुंची सुमित तेरे आज काउंसलिंग समय उभय सकारात्मक मतामत देखा जना पड़े कंप्लीटली कोर्ट मैटरटा बाहर कहटा ठीक नुह किंतु जेहेतु हाईकोर्ट अर्डर देते कोर्ट को सम्मान देखिए मुझे काउनसिलिंग आसती निश्चित भाव में कौटि ना कौटि गोटे सकारात्मक चिंताधारा आसला और मोर क्लाएंटर हो कि अपोजिट पार्टी हो जो गोटे रिकनसोलेसन हबार संभावना जो जग्रत है बोध हुए जो आम काउनसिलर कहते आसंता 11 तारिख दिन आ गए डेट फिक्स कर प्रथम दिन काउनसिलिंग उभय को पुणी थे आसंता सोमवार मध्यस्थता केन्द्र को आसपापी काउनसिलर निर्देश देते यही काउनसिलिंग पर पति पत्नी मध्य चलता बिवाद केते समाधान होता देखा बाकी रहा। कटक रु वीडियो जर्नालीस्ट सुब्रत अंजन विश्वजीत दास और विद्युत प्रभा दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।